हेलो एवरीवन, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे हाउ टू राइट बीएचडीएल कोड फॉर ए गिवन स्टेट मशीन विच बेसिकली ए फाइनाइट स्टेट मशीन। सबसे पहले हम बात करेंगे मिले मॉडल के बारे में बेस्ड ऑन अ गिवन स्टेट डायग्राम। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का स्टेट डायग्राम है जहाँ पर के तीन स्टेट्स है लाइक S0, S1 और S2। अब इस स्टेट डायग्राम में प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट और इनपुट कॉम्बिनेशंस का एक स्कीमेटिक दिया हुआ है जिसको कि हम अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू एनालाइज मिले सिक्वेंशियल सर्किट, तो उसमें हमने देखा था जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट दिया होता है तो उसके बिहाफ पे हमने आउटपुट एक्सप्रेशन निकाला था, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस फाइंड किए थे, बाद में स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम भी डिराइव किया था। अगर इस स्टेट डायग्राम का हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट हो सकता है वो हो सकता है S0। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, S0 का नेक्स्ट स्टेट आप देख सकते हैं ये इट इज़ गोइंग टू बी S0। अब कंडीशन आ सकता है इनपुट इज 0 एंड आउटपुट इज 0, ये ऊपर वाला इनपुट होता है और दिस इज गोइंग टू बी आर आउटपुट। सिमिलरली अगर इनपुट 1 है तो S0 का नेक्स्ट स्टेट आएगा S1। अब S1 का भी दो स्टेट्स आ सकता है, एक तो इनपुट 0 है तो वो जाएगा S2 की तरफ और अगर इनपुट 1 है तो रिमेन करेगा S1 की तरफ। सो बेस्ड ऑन दिस स्टेट डायग्राम हमें इसका एक VHDL कोड डिस्क्राइब करना है। तो इस किस तरह से हम इसको डिराइव, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये सेम स्कीमेटिक और एक बार लेता हूँ फॉर आर रेफरेंस और स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी से जो कि हमने डिफाइन किया है IEEE। बाद में हम उसको यूज़ करेंगे बाय द स्टेटमेंट यूज़ IEEE उसका स्टैंडर्ड पैकेज .all। अब हम डिफाइन करेंगे एंटिटी विच इज़ बेसिकली मिली मॉडल इज। इसमें हम डिफाइन करेंगे पोर्ट। अब पोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म लगेगा वो होगा क्लॉक, रिसेट और आएगा एक्स। एक्स हमारा इनपुट हो सकता है तो हमने तीन इनपुट्स लिए, क्लॉक, रिसेट और इन। जेड को हम आउटपुट कंसिडर करेंगे, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैव आउटपुट जेड एंड इनपुट एज एक्स। इसको हम एंड करेंगे और हम इंटर करेंगे आर्किटेक्चर में जो कि स्टाइल है आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ मिले मॉडल इज। अब इसमें हमें तीन स्टेट्स डिफाइन करने हैं तो हम जाएंगे डिफाइनिंग द एलिमेंट्स कॉल्ड एज स्टेट्स। तो सबसे पहला स्टेट जो हमारे पास आता है वो हमने डिफाइन किया है टाइप, स्टेट टाइप इज। वी हैव थ्री स्टेट्स S0, S1, S2। अगर आपको याद होगा हमने पिछले कई वीडियोस में भी देखा था इसको, हम खुद का स्टेट भी डिफाइन कर सकते हैं बाय इनुमरेशन टाइप। तो ये एक इनुमरेशन टाइप हो गया जिसमें हमने तीन स्टेट डिफाइन किए। अब ये स्टेट कैसा हो सकता है, तो हमारे पास करंट स्टेट भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट स्टेट भी हो सकता है। बाय करंट स्टेट, अब अगर S0 का बात करेंगे तो S0 का नेक्स्ट स्टेट S0 भी आ सकता है या फिर S1 भी आ सकता है। तो हमें उसको टू पार्ट्स में डिफाइन करना पड़ेगा, एक तो करंट अंडरस्कोर S जो कि डिफाइन करेगा करंट स्टेट के बारे में, नेक्स्ट अंडरस्कोर S वो डिफाइन करेगा नेक्स्ट स्टेट के बारे में, और ये दोनों बिलोंग करेंगे स्टेट के टाइप की तरफ। तो इस भी आप पे हमने स्टेट को डिफाइन कर लिया। अब मूव करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए और हम प्रोसेस करेंगे क्लॉक और रिसेट से। अब क्लॉक और रिसेट से रिसेट स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहला कंडीशन देखेंगे, अगर रिसेट 0 है तो क्या हो सकता है या फिर 1 है तो क्या हो सकता है। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इफ़ द फर्स्ट कंडीशन रिसेट इज इक्वल्स टू 1 देन आर करंट स्टेट शुड बी इक्वल्स टू S0। यानी कि अब रिसेट इज इक्वल्स टू 1 है तो जो करंट स्टेट रहेगा वो क्या रह सकता है हमारा S0, बिकॉज इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा नोड हमारा हो सकता है S0। तो हमने इसको लिखा है S0। एल्स इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम जाएंगे सेकेंड कंडीशन की तरफ, वो है क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 एंड क्लॉक टिक इवेंट। यानी कि कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स इट इज स्विचिंग फ्रॉम 0 to 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि स्विचिंग किस तरह से हो रहा है। अब स्विचिंग में हम कंसिडर करेंगे केस स्टेटमेंट को, विच इज केस करंट एस इज, यानी कि करंट स्टेट जो कि हमने यहाँ पर सेव किया था इनिशियली वो हो जाएगा हमारा S0। तो हम स्टार्ट करेंगे केस S0 इज। अब S0 को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसके दो स्टेट आ सकते हैं, एक तो वो सेल्फ लूप में जाएगा या फिर जाएगा S1 की तरफ। सो इसके भी यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन S0, यानी कि अगर केस S0 है तो क्या हो सकता है। तो इसके दो कंडीशन आ जाएंगे, एक इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि इनपुट 0 है तो क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं S0 का अगर इनपुट 0 है तो वो खुद को ही काउंट करेगा, यानी कि इसका नेक्स्ट स्टेट आ सकता है S0 और आउटपुट आ सकता है 0। तो हम ये लिखेंगे z less than equals to 0 और नेक्स्ट स्टेट हो सकता है S0।
अब देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट जो है जीरो है और उसका नेक्स्ट स्टेट जो है एस जीरो है। तो हमने लिखा है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स जीरो नहीं तो हो सकता है एक्स इज इक्वल टू वन, एल्स हम लिखेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट की तरफ और वो नेक्स्ट स्टेट हो सकता है एस वन और आउटपुट हो सकता है जीरो। तो आप देख सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जेड हो जाएगा हमारा जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन ऑब्लिक जीरो में आउटपुट जो है जीरो है और नेक्स्ट स्टेट आ सकता है एस वन, यानी कि हमारे पास अब प्रेजेंट स्टेट आ सकता है एस वन। अब इसको हम रिपीट करेंगे और सबसे पहले हम इसको एंड करेंगे, सामने लिखा है इसको एंड ई। हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ, अगर हमारे पास करंट स्टेट एस वन है तो क्या हो सकता है, वेन एस वन कंडीशन लिखेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो आउटपुट आ सकता है वन, आप देख सकते हैं एस वन इनपुट जीरो है तो हो जा रहा है एस टू की तरफ और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वन, तो हो सकता है जेड एज वन एंड नेक्स्ट स्टेट हो गया हमारे पास एस टू। सिमिलरली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो चेक करेगा इनपुट वन है क्या, आप देख सकते हैं इनपुट वन कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट स्टेट हमारे पास एस वन आ रहा है और आउटपुट है उसका जीरो, तो ये हो जाएगा जेड एस जीरो और नेक्स्ट स्टेट हो गया हमारे पास एस वन। तो ये भी हम एंड करेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ वेन एस टू, यानी कि हमारा तीसरा स्टेट आ जाएगा एस टू। इसको भी हम लिखेंगे इफ एक्स जीरो है तो आप देख सकते हैं एस जीरो की तरफ, अगर एक्स जीरो है तो वो जा रहा है एस नॉट की तरफ और उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है जीरो, तो हम इसको लिखेंगे जेड एस जीरो और इसका करस्पॉन्डिंग स्टेट हो सकता है एस जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डेफिनेटली इनपुट वन हो सकता है और उस कंडीशन में अगर हम इस स्टेट डायग्राम का बात करेंगे तो ये स्विच हो रहा है एस वन की तरफ, तो ये हो जाएगा जेड एस जीरो और नेक्स्ट स्टेट हो गया हमारा एस वन, यानी कि वो कंटिन्यूसली इंसर्ट करता रहेगा एस जीरो एस वन और एस टू के बारे में। अगर ये कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो कहाँ पर रह सकता है एस जीरो में। अब हम इसको एंड करेंगे, फर्स्ट हमने इफ स्टेटमेंट को इनिशलाइज किया था एंड इफ, बाद में केस और एक बार एंड इफ करेंगे और बाद में हम करेंगे एंड प्रोसेस एंड आर्किटेक्चर। तो इस तरह से हम अगर कोई भी स्टेट डायग्राम हमें दिया होगा, मे बी मिले टाइप का हो या फिर मूर टाइप का हो तो हम उसका VHDL कोड आसानी से लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।